कोल्हान के हर सीट पर हेमंत सोरेन की नजर है। गठबंधन प्रत्याशी को जीतने के लिए जेएमएम के जिला सचिव सोना देवगम ने बैठक व दौरा किया। महागठबंधन प्रत्याशी सोना राम को पुनः दोबारा जीत के लिए बनी रणनीति। अब खबर विस्तार से। हेमंत सोरेन के निर्देश पर झामुमो के जिला सचिव ने जगन्नाथपुर विधानसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोनाराम सिंकू के पक्ष में झामुमो के सभी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी सौंपी है। हाईकमान के इस आदेश पर सोना देवगम ने रविवार को जगन्नाथपुर नोवा मुंडी जामदा का दौरा कर इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार को जिताने के लिए सभी से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए अपील की है। पार्टी कार्यालय में बैठक करते हुए झामुमो के जिला सचिव ने अपने आदिवासी समाज के लोगों से जोर देते हुए कहा है कि देश के एकमात्र सबसे लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे कोल्हान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए आगे आए। गठबंधन धर्म निभाना है, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना है। झामुमो के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने जगन्नाथपुर विधानसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोनाराम सिंकू को जिताकर विधानसभा भेजने की अपील अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोल्हान से भाजपा का सफाया हो रहा है और झामुमो के निडर शेर दिल वाले हमारे नेता हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बन रही है। व्यंग कसते हुए देवगम ने कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी गीता कोड़ा को जीत नहीं दिला सके, अब क्या उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी गीता कोड़ा को जिताने आ रहे हैं? जो हाल भाजपा का लोकसभा में हुआ था, उसी तरह का हाल विधानसभा में होने वाला है। देवगम ने पार्टी को एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने और सोना को जिताने के लिए तन मन धन से काम करने की बात कही है। बैठक में गठबंधन प्रत्याशी सोनाराम सिंकू ने भी कार्यकर्ता से कहा कि आप सभी का सहयोग चाहिए, हेमंत सरकार का हाथ मजबूत करना है, फिर से झारखंड में हेमंत सरकार बनाना है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, ऐसा योजना इससे पहले कभी नहीं चला रही है। और सबसे बड़ा बात है कि आम आदमी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार ने सरकार को मतलब हर व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचा करके लाभ पहुंचाने का काम किया, इससे पहले ऐसा काम कर। अभी देखिए महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिला सम्मान योजना लागू किया गया। राज्य के कैबिनेट में यह भी निर्णय दिया कि दिसंबर माह से कैबिनेट में निर्णय दिया गया, कैबिनेट में पास हुआ और दिसंबर महीना से यह राशि जो है 2500 हो रहा है। आज बिजली बिल का मामला देखिए, बिजली बिल जो हमारे विपक्षी लोगों का सरकार के समय का बिल है, ये अभी का बिल नहीं है। जो विपक्षी मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और डबल इंजन का जो सरकार उन लोग का चल रहा था, उन लोग के समय जो लोगों को मतलब किसी का घर में बत्ती नहीं भी जल रहा था तो उसको भी जो है ना किसी का 10,000 किसी का 20,000 किसी का 25,000 ऐसे सब बिल आया था। और हमारे लोग सक्षम नहीं है, उनके वो केस वगैरह भी हो रहा था। आज हेमंत जी ने निर्णय लिया, आज वो सारा बिल जो है माफ किया, कृषि लोन को माफ कर दिया। इस तरह से सोचिए कि मतलब ये सरकार जो भी काम कर रही है आज, लेकिन क्या है कि आप तो देखिए कि हमारे विपक्षी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अब उनके सहयोग में हमारे हर जो भी हम लोग जन कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं, हर योजना में इन लोग बाधा डालने का काम किया। अभी महिला सम्मान योजना जो हम लोग उतारे और महिलाओं को हम लोग सम्मान देने का काम किए, उसमें भी इनको दर्द हुआ और उसको भी लोग जो है कोर्ट तक में जाकर के उसको लोग बंद कराने का प्रयास किए। जब उसमें भी ये लोग सफल नहीं हुए तब ये लोग एक मतलब गोपो योजना मतलब फर्जी योजना का ये प्रचार चला करके ये लोग जो है ना भ्रम का स्थिति पैदा करने का कोशिश किए और मतलब कई जगह पता चला कि उन लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है फर्जी फॉर्म, जबकि ऐसा कोई योजना जमीन पर उतरा ही नहीं है। तो भाई किस चीज का फॉर्म क्लियर कराया जा रहा है, क्यों आधार कार्ड मांगा जा रहा है, क्यों ये किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे इन लोगों का कुछ साजिश, दूर तक का साजिश। तो इस तरह की चीजें है। तो आज
लोग चाहते हैं कि हमारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है वो जन कल्याणकारी योजना आगे भी चलते रहे और इस तरह से जन कल्याणकारी और सारे योजनाओं का सिलसिला आगे भी बरकरार रहे। तो इसके लिए चाहिए हम लोगों को केंद्र सब राज्य में फिर से हम लोग का इंडिया गठबंधन का सरकार को फिर से आगे कंटिन्यू करें। तो इसके लिए हम लोगों को नंबर का जरूरत है। नंबर का कहने का मतलब एक एक विधानसभा क्षेत्र से हमारा कास्ट जो भी